हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने मैदा ले लिया है, गुनगुना पानी, ड्राई यीस्ट, शुगर, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। इन सब की मेजरमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। सबसे पहले हम गुनगुने पानी में थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, ये थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें यीस्ट, ये जो हमने ड्राई यीस्ट लिया है, इसे डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पर। फ्रेंड्स, 10 मिनट तक हमने ये यीस्ट जो है ये रखा था, ये एक्टिव हो चुका है। अब हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बीच थोड़ा सा इस तरह से होल बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इस तरह से। फिर जो ये हमने यीस्ट एक्टिव किया है, इसे डाल देंगे हम इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर देते हैं। ये सारा डाल देते हैं। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करेंगे। ये हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। हमने इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है बिल्कुल। हम इसे इस तरह से गोल करके इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ताकि ऊपर से सूखे नहीं। और इसे हम किसी प्लास्टिक के रैप से या क्लिंग फॉयल से रैप करके इस तरह से 1 से 1.5 घंटे के लिए जो है फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो हम इसे 1 से 1.5 घंटे रख देते हैं किसी गर्म जगह पर। फ्रेंड्स, ये 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है हमारे डो को रेस्ट किए हुए। ये बिल्कुल ये हो चुका है, प्रूव हो चुका है, फर्मेंट हो चुका है। इसे हम थोड़े से अपने हाथों को पहले ऑयली कर लेते हैं ताकि ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। निकाल लेते हैं इस तरह से। हम अपने बोर्ड पर जो है थोड़ा सूखा मैदा डाल देते हैं इस तरह से। और इसका एकदम बिल्कुल गोल, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए इसमें, इस तरह से बिल्कुल तो गोल पेड़ा बना देंगे इसका। इस तरह से रख लेते हैं। थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा ड्राई कर लेते हैं इसको मैदे से। अब हम इसे बेलेंगे इस तरह से, हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है इस तरह से। यदि आप बहुत छोटे पिज़्ज़ा डो बनाना चाहते हैं तो आप इसी मैदे के जो ये बॉल था इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, हल्के हाथों से जो है इस तरह से बड़ा करते जाइए। फ्रेंड्स, हमने इसे बेल लिया है। ये हमने आधा सेंटीमीटर से मोटा रखा है। अब हम इसमें फॉक्स से इस तरह से होल्स कर देंगे बीच में। ताकि जब हम इसे पैन पर पकाएं तो ये जो है बहुत ज़्यादा फूले नहीं। ये हमने इसके होल्स कर दिए हैं सब।
और अब इसे आप चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव में पका सकते हैं, लेकिन हम पैन पे बनाएंगे इसे। कई जगह पे माइक्रोवेव जो है सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इसे पैन में बनाना सिखाएंगे। हम इसे पैन पे डाल देते हैं। ये हमने गैस पर नॉनस्टिक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम इसे इस तरह से धीरे से डाल देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये, हम ढक्कन इस पर लगा देते हैं और गैस को मीडियम कर देते हैं। अब हम इसे 5 मिनट तक मीडियम गैस पर, लो मीडियम पर पकने देते हैं। जब आपको लगे गैस ज़्यादा पैन गर्म हो चुका है, तो आप इसे लो कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन निकाल कर चेक कर लेते हैं। हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ, पिज़्ज़ा डो, ये देखते हैं, दूसरी साइड से देख लेते हैं पक गया है। हाँ बिल्कुल, ये पक चुका है। गैस ऑफ कर देते हैं और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा होममेड पिज़्ज़ा का, ये जो पिज़्ज़ा की रोटी होती है, ये बिल्कुल रेडी है, ये पक चुकी है पूरी तरह से। आपको मैं दूसरी तरह करके दिखा भी देती हूँ, ये देखिए। और अंदर से अब आप इससे पिज़्ज़ा बनाइए, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।